हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेटा नेटिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारा ये सुंदर थाल पोषण बनाएंगे जो दो कलर से बनाया गया है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक नोट लगा लेंगे। उसके लिए ऐसे दो फिंगर पे उल्टा करके धागे को और पीछे की तरफ से पीछे वाला धागा ले लेंगे, उसको आगे करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखिए तीन लूप्स लेंगे, एक धागे को फिर आगे करेंगे, दो, और देखिए इस तरह ये हमारे तीन हो चुके हैं क्योंकि एक सबसे पहले हमने दूसरा फंदा लिया था। अभी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे हम दो की चेन बना लेंगे। फिर से सेम हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हम तीन का एक बना देंगे, तीन बार ऐसे फंदे लेंगे और इन तीनों का एक करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और एक दो चेन। इस तरह टोटल हम यहाँ पे छह बना लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे हमने टोटल सिक्स बना लिए हैं और दो की चेन भी बना ली है। इसको यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक कर देंगे। अब हमारा सेकेंड राउंड है। सेकेंड राउंड में हमने ऐसे ही टोटल 12 बनाएंगे। एक एक में हमें दो बना लेने हैं। और बीच में हमें दो दो की चेन बनाएंगे। यहाँ पे गाइस हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड राउंड में देखिए तीन लूप्स हम इस साइड से लेंगे और तीन हम लेंगे धागे को आगे कर लेंगे और तीन इधर से। जहाँ पे हमने दो फंदे बनाए थे उसके हमने दोनों तरफ से ऐसे फंदे लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है और इन सब का हम यहाँ पे एक बना देंगे, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन। फिर सेम ऐसे ही हमने पांच और बना लेने हैं, तीन का एक करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन। ऐसा एक और बनाएंगे जैसे कि मैंने पहले बोला है। टोटल यहाँ पे पांच हम काउंट करके बना लेंगे। देखिए फिर से एक चेन बना लेंगे और एक और बनाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे फाइव हो चुके हैं। अब यहाँ पे दो की चेन बनाएंगे, यहाँ बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना के देखिए इसको लॉक कर देंगे। फिर से दो की चेन बनाएंगे, वन टू, और यहाँ नीचे में इसको हम लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारी एक पत्ती है जो रेडी हो चुकी है। ऐसे टोटल हमें फाइव और बनाने हैं, यहाँ पर टोटल सिक्स बनाएंगे। यहाँ से अब तीन धागे देखिए यहाँ से लेंगे, तीन फंदे जहाँ से हमने पहले के लिए थे और तीन फंदे हम दूसरे साइड से लेंगे। सेम ऐसा ही बनाएंगे जैसा हमने ये पहले बनाया है, तीन इधर से लेंगे। अब इन छः का हम यहाँ पे एक बना देंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे और टोटल ऐसे ही पांच हम और बनाएंगे काउंट करके।
ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने टोटल 6 बना लिए हैं। बहुत ही इजी है इस थालपोश को बनाना। और देखिए अब यहाँ पे हम एक दूसरा कलर लेंगे और उससे हम यहाँ पे तीन तीन की चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट लगा लेते हैं। देखिए ऐसे हमने यहाँ पे नोट लगा ली है। पीछे वाले धागे को थोड़ा खींच लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ नीचे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे यहाँ पे। अब तीन की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और उसे वहीं पे ऐसे लॉक कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन की चेन बना लेंगे और उसको हम वहीं पे लॉक करेंगे। इस तरह ये वाले पूरे राउंड में हमें कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बैक साइड से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। वहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये वाले, यहाँ से हम तीन तीन की चेन बना के एक सिंगल क्रोशिया बना के उसको लॉक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पहले वाले कलर से ही नोट लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसको कटिंग कर सकते हैं और फिर से ले सकते हैं, और चाहे तो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने तीन की चेन बनाई है और ये बीच वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर से तीन की चेन बना लेंगे और अब देखिए ये वाले पॉइंट पे हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह ये जो चेन है टोटल हमारी यहाँ पे होनी चाहिए 12। पूरी 12 यहाँ पे चेन हम काउंट करके बनाएंगे, एक के पीछे दो दो आ जाएंगी। इस तरह ये राउंड हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें हम दो दो लूप्स बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। तीन का एक करेंगे, दो बार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पीछे से ऐसे दो दो हम यहाँ पे लूप्स बना लेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। ऐसे पीछे से बना लेंगे और अब यहाँ पे सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे पहले बनाया था। पहले वाला कलर लेंगे और देखिए यहाँ पे हम तीन तीन के 6 लूप्स ले लेंगे। ये तीन इधर से, तीन इधर से और तीन इधर से। अब तीन इधर से लेंगे, 6 का एक करेंगे, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और टोटल 5। वैसे ही हम सेम काउंट करके बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सेम ऐसे ही हम टोटल यहाँ पे 12 बना लेंगे। इसे 6-6 के हम मल्टीपल से बढ़ाते जाएंगे। पहले हमने 6 बनाए थे और अब यहाँ पे हम 12 बनाएंगे। फिर नेक्स्ट राउंड में हम
सिक्स और ऐड कर देंगे, 18 बनाएंगे। इस तरह हर एक राउंड में हम सिक्स हमारे इंक्रीज करते जाएंगे। देखिए सेम ऐसे ही बना लेंगे, एक के पीछे अब दो आएंगे, दो के पीछे तीन, चार, पाँच। इस तरह हम यहाँ पे जितना बड़ा हमें तारपोश बनाना है उसी अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ के इसके पीछे फिर से दो बनेंगे और इस तरह ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है थालपोश। इस तरह हमें दो लेयर बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे थर्ड लेयर। आप सबको मैं ऊपर की तरफ से कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन है और इसको बनाना जैसे कि आप सब देख के रहें कितना ईजी है। और यह टोटल देखिए छः हैं और पीछे वाले टोटल यहाँ पर 12 हैं। हर एक राउंड में जैसे कि मैंने पहले बताया है कि छः छः हम यहाँ पर इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम पीछे की तरफ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। ये देखिए फिर से यहाँ पे हम इस पॉइंट से लेंगे यहाँ से और यहाँ तक ऐसे ऐसे करके हम टोटल यहाँ पे 18 चेन बना लेंगे। तीन तीन की चेन बना के इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और टोटल 18 यहाँ पे हमारी चेन होनी चाहिए। ये देखिए इस चेन में अब यहाँ पे हम दो दो लूप्स बनाएंगे और ये लूप्स जो हमारे काउंटिंग में 36 होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे दो दो बीच में हम बना लेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया ये चेन हमारी 18 होनी चाहिए और उसमें हम दो दो लूप्स बनाएंगे और यहाँ पे 36 हमारे लूप्स होने चाहिए। बीच में दो दो चेन बनाते जाएंगे इसमें और इस तरह ये राउंड हम कम्प्लीट करेंगे। मैंने जैसे पहले बताया है कि जिस अकॉर्डिंग आप छः छः इंक्रीज करते जाएंगे और जितना बड़ा आपको थाल का साइज़ बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए एक के पीछे हमने यहाँ पे दो बनाए और दो के पीछे यहाँ पे तीन बनेंगे। दो दो के छः हैं, ये सबका एक एक बन जाएगा। और ये देखिए ऐसे पीछे इनके तीन तीन बन जाएंगे और इसी तरह ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप गाइस यू ऑल लाइक माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।